आप फरी हुए हैं, जैसे ही फरी हुए आप लोगों के सामने, एक बारी आप सभी साथियों को बता दूं, देखो भाई बहन बेटी किसी की भी हो, आपकी हो या हमारी हो, सबकी एक समान होती है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की मैं बातें कर रहा हूं, वहां एक पागल लड़की ने, एक मूर्ख लड़की ने अपने 80 के बहकावे में आके, अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे में आके लगभग 50-60 नाती हुई लड़कियों की वीडियो बना के और उस वीडियो को वायरल कर दिया। एक तो मेरे देश की जनता है ना, जो ये सोशल मीडिया चलाने वाले, ये कुछ आदमी इतना खतरनाक जहर हो गए हैं, इनको शर्म ही नहीं है। आप किसी बहन बेटी की इज्जत को उछाल रहे हो, वो ऐसी आपकी भी तो बहन बेटी होगी, सोचने की बात है ये। उस वीडियो को आगे से आगे आगे से आगे शेयर पे शेयर शेयर पे शेयर कर रही। अरे तुच्छ प्राणियों, एक बात का ध्यान दे लो, उन बेटियों के अंदर से जिनकी वीडियो वायरल हो रखी है, उनमें से 8 बेटियों ने तो सुसाइड करने की कोशिश तक की है। क्या आप लोगों को पता है, 8 घरों के चिराग बुझते बुझते बचे हैं। बेटी आपकी हो या हमारी, समाज के अंदर उसकी जो बुराई होती है उसको रोका जाता है या उसको उछाला जाता है। मैं आप सभी साथियों से पूछ रहा हूं, इस चीज को लेके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले जितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, उनके सामने डिमांड रखी गई है कि आपको अच्छे अंकों से पास कर दिया जाएगा, आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो, बस इस मुद्दे को बंद कर दो, इस मुद्दे को उठा लो। यानी कि शर्माने की बात है, हमारे देश के जो युवा छात्र हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनकी इज्जत की आप नीलामी कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो। एक मेरे देश की ये भोली वाली जनता, इनको पता ही नहीं देश के अंदर क्या चल रहा है, ये इज्जत पे इज्जत उछाले जा रहे हैं आगे से आगे। सभी साथियों से एक विनती है भाई, जिसके पास भी वो वीडियो व्हाट्सएप पे आती, इंस्टाग्राम पे आती, फेसबुक पे आती है, तुरंत उस वीडियो को डिलीट करें, और डिलीट करने के साथ साथ जो भी आपके पास वीडियो भेजता उस पर कानूनी कार्रवाई करवाएं। ये आप सभी साथियों को बता देता हूं, वे बेटी हमारी भी बहन बेटी है, कम से कम उनकी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। एक मूर्ख लड़की उनकी इज्जत नीलाम कर रही, तो इसका मतलब आप भी उनका सहारा दे रहे हो। अरे मूर्ख जनता, मैं मेरे प्यारे भेड़ चाल वाले साथियों, आप सभी को बता दूं, हमारा काम इज्जत बचाने का होता है, इज्जत उछालने का नहीं। इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे आप, क्यों? इसके अंदर तो अच्छा ही है, अच्छा ही फैलाते टाइम तो आप लोगों के अंगूठे कट जाते हैं, जिससे शेयर दबाते हैं उसको तो आप लोग शेयर नहीं कर पाते। और जो ना शेयर करने की चीजें होती है, जिनको छुपाना चाहिए, पर्दे के अंदर रखना चाहिए, उन चीजों को आप जबरदस्ती आगे से आगे वायरल करते हो। हद है यार, हद। अरे कभी तो दिमाग का ढक्कन खोल के कुछ तो सोच लिया करो। वे बहन बेटी आप लोगों की है, जो भी चंडीगढ़ के आसपास के जितने भी मेरे युवा साथी हैं, स्टूडेंट हैं, वे सब के सब साथी उन बच्चों को सपोर्ट करें। वहां पे पुलिस प्रशासन ने कल लाठी चार्ज भी कर दिया, यानी कि हद हो गई अपने हक की आवाज उठाने का, सी मतलब ये है लाठिया खाना। इसलिए मैं आप सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूं भाई, मजाक ना बनाएं अपनी बहन बेटियों का, उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें, ताकि उनको अपना जो भी उनके साथ अन्याय हुआ है, उस चीज के लिए उनको न्याय मिलना बहुत ही जरूरी है, ताकि भविष्य में आगे ऐसी कोई वल्गर लड़की, ऐसा कोई वल्गर लड़का आपस में मिलके किसी शरीफ घर की इज्जत को ऐसे नीलाम ना करे। ये आप सभी साथियों से विनती है भाई, ऐसी ऐसी बातों को शेयर किया करो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो कांड हुआ है, उसके लिए एक होके आवाज उठाएं। जैसे कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा 30 तारीख तक, कंटिन्यू मेरे प्रोग्राम है, मैं मेरे घर पे ही रात ने लगभग 2:30 बजे घर पहुंचूंगा,
ढाई बजे नहीं पहुंच सकता तो अपने घर से या जहां भी मैं वहां से सपोर्ट तो कर सकता हूं मेरी बहन बेटियों को, तो आप भी उनको सपोर्ट करें, उनका साथ दें, उनका हौसला बढ़ाएं, ताकि आज 8 बेटियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है शर्म के मारे, उनकी कोई गलती भी नहीं है शर्मा के, तो भाई कम से कम अपनी बच्चियों के लिए आवाज उठाओ, एक रहो नेक रहो, ये जरूरी है। कुछ गोडू जिनको कोई काम नहीं, नीचे आके ये बोलते हैं आ गया ड्रिंक करके, आ गया दारू पी के, अरे कुत्तो एक दिन गाड़ी में बैठ के घूम लो, गारंटी देता हूं बवासीर नहीं हो जाए ना, जब नीचे उतारांगे पता लग जाएगा। 700-700 किलोमीटर अपने खर्चे अपने तेल पानी से घूम के देखो, अकल ठिकाने आ जाएगी। और अपना तो डेली का काम है, 2:30 बजे घर बढ़ेंगे, सुबह फिर निकल लेंगे, घर बैठ के बातें कोई भी बड़ी कर सकता है, कमेंट में गंद कोई भी मचा सकता है, काम कुछ है नहीं भाई। आत्मने की बातें कितनी करवा लो, अच्छाई को फैलाने में तो इनके हाथ दुखने लग जाते हैं, बुराई के ये आगे से आगे एक सेकंड में फैला देते हैं, इनको ये शर्म नहीं आती। आप लोगों के ये बुराई फैलाने के कारण ही 8 बेटियों की जान जाते जाते बची है। एक और न्यूकल लाग रहा भाई, हवाबाजी में घूमन लाग रहा, हवाबाजी में चलो भाई, हवाबाजी के हो घूमे थे, तू भी आ साथ, तू भी घूम के देख, अकल ठिकाना आ जाएगी। घर छोड़े घर तक घूमते 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर 3,600 से ज्यादा प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं, ठीक है। ये बातें बोलने बोलने में अच्छी लगती हैं, करके देखने में घर हिलता है, रुपया की ना रुपया की गोज भर के लकड़ा अगर तर्ज उल्टे घर बड़ा ना कंगाल होगा बड़ा, डेली का काम है। जिस दिन अपनी ऐसी कमाई में दोगे बेरा पाट जाएगा। कुछ ऐसे आदमी भी हैं, ऐसे मूर्ख जो कह देते हैं क्यों हो गया जब चंदा मांग के तो काम चला, चंदा कैब मांगू भाई महीने में न्यू बता दो। 2-3-4 मदद ऐसी होती होंगी जो शादी की मदद आती होंगी, जिस टाइम आप लोगों से मदद मांगी जाती है, बाकी उनसे अलग जितनी जो मदद करते हैं, आज भी मदद करके आए आप लोगों से क्या मांगा। अपनी अकल को थोड़ा हा खोल के इस्तेमाल किया करो, कोई अच्छा कार्य कर रहा उसका साथ दिया करो। छोटा सा हरियाणा, छोटे से हरियाणे में आधे से ज्यादा हरियाणे में आज आज में घूम लिया मैं, ये हर रोज का काम है हमारा। खाली बातें बड़ी नहीं करनी चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए, तब मैं मानूंगा हाँ भाई तुम हर शिकारा को ठीक ब्लेम कर रहे हो। उन बेटियों को सपोर्ट करो, उनका साथ दो, उन अपनी बच्चियों का हौसला बढ़ाओ भाई, बुराई को फैलने से रोको, अच्छाई को फैलाओ। मैं सभी साथियों से विनती करता हूं भाई, एक एक पोस्ट जरूर डाले आई स्पोर्ट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, हम अपनी बच्चियों के साथ खड़े हैं, हम जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यही छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना था। राम राम।